आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। चलिए अब बात करते हैं मानसून की। जी हां, बारिश के मौसम में कई महीनों से लोगों को कड़ी धूपों का सामना करना पड़ा था और अचानक बारिश ने अपना रुख बदल दिया और अचानक कड़ी धूप में नरमी आ गई और उसने कड़ाके की बारिश को भिवंडी शहर में भेज दिया। आप देख सकते हैं कि पूरा की पूरा शहर तालाब बन चुका है। एहतियात बरतने के बावजूद भी काफ़ी लोगों का बहुत कुछ नुकसान हुआ, क्योंकि पानी का जमावड़ा जो है वो सवेरे सवेरे हुआ, इसलिए आँख खुलने से पहले ही पानी लोगों की दुकानों में घरों में जा घुसा। मानसून के इस महीने में पानी का जमा होना कोई नई बात नहीं है, हर साल भिवंडी के वासियों को इस मुसीबत का सामना करना ही पड़ता है। लोग एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, गालियां देते हैं, थोड़ी बहुत नाराज़गी जाहिर करते हैं और जैसे ही मानसून गुजर जाता है लोग फिर वैसे ही खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। ये तो वही बंदर वाली कहानी हो गई कि बारिश जाने दो, घर ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन जैसे ही बारिश जाती है वो छलांग लगाना फिर से शुरू कर देता है और ये भूल जाता है कि मुझे घर बनाना है। इसी तरह का हाल कुछ भिवंडी महानगर पालिका का है। हर साल बारिश आने से पहले ही नालों की सफाई, गटरों की सफाई और नदियों की सफाई के लिए एक बड़ा टेंडर निकाला जाता है, लेकिन होता क्या है, ना तो नालों की सफाई होती है और ना नदियों की, और आखिरकार आवाम को ऐसे दिनों का सामना करना पड़ता है। और फिर जब शहर में नाले भर जाते हैं, नदियां भर जाती है, तो लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, लोग एक दूसरे की पोल खोलना चालू कर देते हैं, खुल गई पोल और ना जाने किस किस किस्म के डायलॉग जो है वो शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ कोई लोग उस मंजिल तक नहीं पहुँचते हैं जहाँ से इसकी शुरुआत होती है। टेंडर लेता कौन है, उसे संभालता कौन है, गटर की सफाई होती कब है, नालों की सफाई होती कब है, इस बात की लोगों को फिक्र उस वक्त तक ही रहती है जब तक ठेकेदार का लिफाफा उन तक ना पहुंच जाए। यहाँ गटरों, नालों की और नदियों की सफाई का लिफाफा लोगों तक पहुंच जाता है, जिसमें पत्रकार भी मौजूद है, नेता भी मौजूद है, सोशल वर्कर भी मौजूद है। सभी पत्रकार की, सभी नेता की और सभी सोशल वर्कर की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन नेता, उस सोशल वर्कर, उस पत्रकार की बात कर रहे हैं जिनका शुमार दलालों में आता है। ऐसे लोग भिवंडी का विकास नहीं बल्कि विनाश करने में सबसे आगे होते हैं, और ऐसे चंद लोगों की वजह से होता क्या है, नतीजा आपके सामने है। भिवंडी शहर पहली बार नहीं, बार बार भरता आया है और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से बार बार भरता रहेगा। आवाम को जागना होगा, आवाम को खुद महानगर पालिका से हिसाब लेना होगा, और अगर अब भी नहीं जागे तो आवाम हर साल की तरह मुसीबतों का सामना करते रहे और भुगतते रहे। भिवंडी जैसा था वैसे ही रहेगा।